बागली क्षेत्र के लिए भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान नर्मदा के पानी की मांग को लेकर 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। लंबे समय के बाद बागली क्षेत्र को नर्मदा का पानी देने के लिए सरकार द्वारा 2022 के बजट में सम्मिलित कर उक्त योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 2006 से ही भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान द्वारा मांग को लेकर धरना प्रदर्शन अनेक प्रकार के प्रयास किए गए थे। हालांकि नर्मदा काली सिंध परियोजना में बागली को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके पश्चात 2018 में इस आंदोलन को भारतीय किसान संघ ने तेज कर दिया था। भारतीय किसान संघ के बैनर तले क्षेत्र के किसानों ने 2018 के बाद कई धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सरकार से बागली को नर्मदा का पानी देने की मांग की जा रही थी, जिस पश्चात किसानों की मांग पर 2019 में कांग्रेस सरकार के दौरान हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी के प्रयास से हाटपिपलिया सिंचाई योजना के नाम से नई योजना बनाई गई थी। उक्त योजना की प्रशासनिक मंजूरी को लेकर 2021 में चापड़ा में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था। योजना को बजट में सम्मिलित कर स्वीकृति होने पर किसानों में काफी उत्साह है। इसी के चलते बागली तहसील क्षेत्र के सभी गाँव में किसानों द्वारा आतिशबाजी कर हर्ष व्यक्त किया जा रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। संघ के बैनर तले किसानों द्वारा गांव-गांव में आतिशबाजी की जा रही है और उत्साह मनाया जा रहा, तो क्या है पूरा मामला? नर्मदा सिंचाई जो कि नर्मदा लाओ मालवा बचाओ, ये नारा भारतीय किसान संघ ने 2006 में दिया था, जो 2018 तक हमारी जो मांग पूरी नहीं हुई थी, क्षेत्र छूट गया था, उसके 2018 से सतत हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे थे। जो अभी के बजट में मध्य प्रदेश शासन ने ये मांग स्वीकृत की है, उसी खुशी में गांव-गांव आतिशबाजी और हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। कितना फायदा मिलेगा क्षेत्र को? क्षेत्र को 1,29,000 हेक्टेयर भूमि इसमें सिंचित होगी और 5 तहसील इसमें को सम्मिलित किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।